अनुपम मिश्रा जो पीएनसी की सांसद है, पैसा लेकर सवाल पैसा लेकर सवाल पूछने वालों की जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, एक नहीं अनेक, खुद निशिकांत दुबे पर कई आरोप लगे हैं, और तो क्या क्या लेके क्या क्या किए हुए हैं जीवन में वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए असल बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों परेशानियों में है, चाहे बिहार के लोग हो या झारखंड के, देश भर में भाजपा परेशानी में है। बिहार जो रास्ता दिखाया है एकता का, ए टू जेड का, नौजवान का, युवा का, महंगाई के सवाल का, ये जो कुनबा इंडिया गठबंधन का है, इससे भाजपा घबराहट में है, कुछ कुछ बोलते रहता है। निशिकांत दुबे तो हर चीज़ बिन मामूल के करते ही नहीं, वो तो रूम में भी जाते तो मामूल के साथ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन जिन्ना के कारण नहीं, हिंदू महासभा के कारण हुआ। तो मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे में हिंदू महासभा ने जहर घोली होगी, तो मौर्य बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कोई भूमिका आज़ादी में नहीं रही है, मुखबिरी में रही है फिरंगियों के साथ मिलकर काम करने का, लेकिन देश के आज़ादी में अगर खोजिएगा योगदान आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं दूर दूर तक नहीं रहा है। सवाल वो इसलिए 24 को लेकर के परेशान है, कभी हिंदुस्तान, कहीं मुसलमान, कहीं पाकिस्तान करते रहेंगे, ये नौजवान की चर्चा नहीं करेंगे, ये किसान की चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे, एक रोजगार की चर्चा एकदम नहीं करेंगे, और गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो तार तार होते जा रही है उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, जिससे आमजन को कोई मतलब नहीं। आमजन को रोटी चाहिए, आमजन को काम चाहिए, उसकी चर्चा करो ना। 9 साल तक 10वां साल में प्रवेश कर गए देश के प्रधानमंत्री जी, तो उनको तो बताना चाहिए ना कि देश के लिए एक काम बता दो जो देश में जनहित में किया गया, जनता के लिए किया गया हो, नौजवान के लिए, किसान के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, एक काम बताएं। मेरी चुनौती है, बता दो क्या क्या देश के अंदर, कभी उन्माद बढ़ा है, कभी सीमा सुरक्षा हुआ है, कभी कोई दुर्घटनाएं हुई है, और बता दीजिए देश में हुआ क्या। 9 वर्ष में अडानी पैदा ले लिए, धरना सेठ पैदा ले लिए, वरना देश के लिए 2-4 काम गिनाएं जो देश के लिए किया। ठाकरे कहते हैं कि अगर बीजेपी के लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर गुजरात में फूल बरसा सकते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी की बात क्यों नहीं करता। देखिए हर चीज़ों को अपने लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खेल ये पहली बार नहीं हुआ अहमदाबाद में, इस देश में लंबे समय से क्रिकेट होता रहा है और क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम रहा है, वर्ल्ड कप जीतने में, T20 जीतने में, लेकिन अब अहमदाबाद में सीरीज की खेल हो रही थी, अब उसमें पाकिस्तान हारा, जो नारे लगाए जा रहे थे वो प्लांटेड थे कि नहीं, केंद्रीय मंत्री जब फेसबुक पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो प्लांटेड है कि नहीं, इसका मतलब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब एक ही मुद्दा बार आ गया है, बच गया है, जय श्री राम। तो हनुमान जी का नाम गुजरात में ऐसा गदा पर लगा, पीठ पर गदा लगा कि वहीं घुलट गए, इस बार इनका राम नैया पार नहीं लगाएंगे, इस बार नैया पार लगाएंगे इंसान, और इंसान और आवाम इंडिया गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ नहीं।